शाहपुर थाना क्षेत्र के खरैया पोखरा में शुक्रवार की रात बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर व्यापारी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। स्वजनों ने किसी के साथ रंजिश से इनकार किया है। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस सर्विलांस व सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मूल रूप से बस्ती जिले के पैकवलिया पिपरा साजी निवासी कृष्ण स्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। वह खरैया पोखरा में मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। उनकी तीन संतानों में सबसे छोटे 30 वर्षीय वेद प्रकाश मोबाइल पार्ट्स के थोक व्यापारी थे। स्वजन के मुताबिक शुक्रवार की रात में 10 बजे भोजन करने के बाद वेद प्रकाश और उनकी पत्नी रेखा दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में सोने चले गए। आधे घंटे बाद उनके गेट पर किसी ने पथराव शुरू कर दिया। आवाज सुनकर वेद प्रकाश कमरे से बाहर निकले, तभी गेट के पास घात लगाकर खड़े तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर, आंख व कान के पास गोली लगने से वेद प्रकाश जमीन पर गिर गए। वारदात के बाद बदमाश पैदल ही फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कृष्ण स्वरूप के बेटे को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी दिनेश कुमार पी, एसपी सिटी सोनम कुमार, स्थानीय पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घर वालों से घटना की जानकारी ली। स्वजन ने बताया कि दिसंबर 2020 में रेखा से वेद प्रकाश की शादी हुई थी। पहले वह दवा का व्यापार करते थे, लेकिन घाटा होने पर मोबाइल पार्ट्स का कारोबार शुरू कर दिया था। दुकानदारों से ऑर्डर मिलने पर वेद प्रकाश घर से ही सामान की आपूर्ति करते थे। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही खुलासा कर सकती है।